अब हमने ये कुछ बातें तो सीख ली, इन पर पहले हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं और फिर हम रिजर्व्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो पहले स्मॉल क्वेश्चंस कर लेते हैं इन पर। तो पहला है एग्जाम्पल नंबर वन, तीन चार एग्जाम्पल करेंगे। देखिए, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स, 1:1:1 रेशियो है, ठीक है। मैं शॉर्ट क्वेश्चंस बनाऊंगा, आपने समझना है। ये रेशो ये चेंज कर रहे हैं 5:3:2 में। ओल्ड रिजर्व्स हमारे पास पड़े हुए हैं, ओल्ड रिजर्व्स है हमारे पास 6 लाख के, और ओल्ड लॉसेस है हमारे पास 1.5 लाख के, और हमारे पास एक अकाउंट है एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, यह है 60,000 इन बैलेंस शीट एसेट साइड। ये एसेट साइड पर ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आ रहा है, ठीक है। पास जर्नल एंट्री, आपने जर्नल एंट्री पास करनी है। तो अब देखिए आप जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे अगर ये ऐसा कोई केस आता है। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री, ठीक है, मैं हेडिंग डाल रहा हूं, आपको हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, तो आप कंसेप्ट आपके दिमाग में है ही। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स और रिजर्व्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आप ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सारे रिजर्व्स और प्रॉफिट्स को बांट देंगे। तो यहाँ पे रिजर्व्स दिए हुए हैं 6 लाख के, तो यहाँ पे आ जाएगा ओल्ड रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, या ओल्ड रिजर्व्स ना लिख के रिजर्व्स लिखो, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट 6 लाख, और ये एक्स वाई और जेड में आप बांट दो, 2x 2y 2z, कितना कितना 2-2 लाख, 1:1:1 है ना, तो सबको बराबर बराबर मिल गया, क्योंकि ये इनके कैपिटल अकाउंट में वैसा चला गया, सबके कैपिटल अकाउंट में चला गया। सेकेंड, सेकेंड एंट्री राइट ऑफ, ठीक है, मैं डिस्ट्रीब्यूट वर्ड नहीं लिख रहा, राइट ऑफ लिख रहा हूँ, आप डिस्ट्रीब्यूट भी लिखते हैं। राइट ऑफ ओल्ड प्रॉफिट्स, सॉरी ओल्ड लॉसेस और फिक्टिशियस एसेट्स। ये जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिखाया था ना मैंने आपको, यहाँ लिखा हुआ है, ये फिक्टिशियस एसेट का एग्जाम्पल है। देखिए एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एसेट साइड पे कर क्या रहा है, तो ऐसी आइटम्स जो एसेट साइड पे अपीयर होती है लेकिन एसेट्स नहीं होती, उनको हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। ये फिक्टिशियस एसेट्स है, क्या है ये? एडवर्टाइजमेंट तो एक खर्चा होता है, सस्पेंस मतलब इस खर्चे को अभी तक आपने राइट ऑफ नहीं करा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डाला। तो जब आप किसी खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालते तो खर्चा इसी तरीके से बैलेंस शीट की एसेट साइड पे आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। तो इसको भी हम खत्म कर देंगे, ठीक है, नुकसान है ये भी, इसको हम खत्म कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी ओल्ड लॉसेस, ठीक है। अभी मैं ओल्ड लॉसेस ही लिख रहा हूँ, या लॉसेस अकाउंट डेबिट, सॉरी एक्स वाई और जेड डेबिट हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा लॉसेस, और वैसे लॉसेस की जगह हम पता है क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो लॉस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, और यहाँ आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इस नुकसान को भी हमने आज खत्म कर दिया, क्योंकि पुराना नुकसान है, आगे क्या करेंगे इसका, 60,000 और 1.5 लाख, ठीक है। कैसे, टोटल हो गया कितना, 1.5 लाख और 60,000, 2,10,000, 2,10,000 को हम बराबर बराबर से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसमें कोई डाउट है तो पूछ। देखिए ये एग्जाम्पल नंबर वन में ही, ठीक है, एक्सेप्शन डाल रहा हूं, इसको रेड से लिख रहा हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर टू, सेम एज अबव, क्वेश्चन आस्क नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स लॉसेस और फिक्टिशियस एसेट्स। आपने किसी को राइट ऑफ नहीं करना, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो क्या करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा था, वो कह रहा है नहीं कुछ मत बांटो, कुछ मत राइट ऑफ करो,
नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट और राइट ऑफ, क्वेश्चन ने मना कर दिया किसी को नहीं छेड़ना, ना प्रॉफिट को छेड़ना है ना लॉसेस को। अब इस केस में आप क्या करेंगे ये देखिए, इस केस में आपने ये देखना है कि आपके पास प्रॉफिट है, आपके पास ओवरऑल ओवरऑल नेट रिजर्व्स कितने हैं। नेट रिजर्व्स हम कैसे निकालते हैं, रिजर्व्स माइनस लॉसेस और फिक्टिशियस एसेट्स। अगर ये नेट रिजर्व पॉजिटिव आते हैं तो वो नेट रिजर्व्स कहलाते हैं, अदरवाइज वो लॉसेस कहलाते हैं, अगर ये नेगेटिव फिगर आए तो। अब देखिए सबसे पहले आपने ये देखना है आपके पास रिजर्व्स कितने थे, 6 लाख के। लॉसेस कितने हैं, एक है 1.5 लाख और एक है 60,000, तो 4 लाख आई थिंक 3,90,000 क्या आपके पास प्रॉफिट बचे हुए लॉस एडजस्ट करने के बाद, राइट। मतलब देखा जाए कि हमारे पास टोटल 3,90,000 के प्रॉफिट्स हैं नेट। अब अगर हमारे पास रिजर्व्स होते हैं तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, जब हम उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है, और उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है देखिए, अगर मैं आपको उसकी वर्किंग समझाऊं तो ये देखिए एक्स वाई एंड जेड, हमारे पास नेट बात कर रहा हूं मैं ओवरऑल 6 लाख का नुकसान है और 6 लाख का फायदा है और 2,10,000 का नुकसान है, तो हमारे पास नेट जो इनकम बची हुई है जो हमें बांटनी है वो 3,90,000 है ना, यहां मैंने नेट कर दिया अलग अलग नहीं करा, तो 3,90,000 को अगर आप ओल्ड PSR में बांटो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो इसको मिलेगा 1,30,000, 1,30,000 और 1,30,000, ठीक है। लेकिन अब रेशियो चेंज हो रहा है न्यू रेशियो, जब न्यू रेशियो में बांटोगे तो वो जाएगा 532, तो ये आ जाएगा कितना आएगा 1,95,000, 1,17,000 और 78,000, ये प्रॉफिट्स मिलेंगे इनको। अब देख लो इसको 65,000 का क्या हुआ, फायदा नुकसान गेन हो गया, इसको 13,000 रुपए का फायदा हुआ नुकसान हुआ सैक्रिफाइस हुआ है ना भाई, नया रेशो कम है इसका, और इसको 52,000 रुपीज का सैक्रिफाइस हो गया। अब ये जो है अकेला इन दोनों को कॉम्पेंसेट करेगा, ठीक है, कैसे कॉम्पेंसेट करेगा देख लो, एडजस्टमेंट एंट्री बन गई आपकी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 65,000, इससे 65,000 लो टू वाइस कैपिटल अकाउंट, इसको दो 13,000 रुपए टू जेड कैपिटल अकाउंट, इसको दो 52,000, और यहां नरेशन में क्या आ जाएगा, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ठीक है, ये कौन था एक्स, कौन था गेनिंग पार्टनर, ये दोनों कौन थे सैक्रिफाइजिंग पार्टनर, तो एंट्री क्या बन गई गेनिंग टू सैक्रिफाइजिंग, ठीक है। एक और चीज मैं अगर आपको समझाऊं, देखिए अभी रुक जाओ थोड़ा सा, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करेंगे, जो हमने एग्जाम में जिस तरीके से करना है या जिस तरीके से आपको फर्दर प्रैक्टिस करनी है, ये तो कंसेप्चुअल पॉइंट है, ये तो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ बेटा, देखो इसको मिलने चाहिए थे 1,30,000, मिल रहे हैं 1,95,000, ज्यादा मिल रहे हैं इससे लो, इससे लो, इसको मिलने चाहिए थे 1,30,000, कम मिल रहे हैं, इसको दो, इसको दो, इसको भी मिलने चाहिए थे 1,30,000, मिल रहे हैं 78,000, इसको भी दो, तो कौन देगा एक्स देगा वाई और जेड को, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं। सेम इसी क्वेश्चन को आपने कैसे करना है फॉर द पर्पस ऑफ योर एग्जाम टेस्ट कुछ भी होता है वो कैसे करना है वो देखिए, देखिए जब कोई ये क्वेश्चन आए, सॉल्यूशन फॉर एग्जाम, एंट्री तो यही होगी, सिर्फ वर्किंग सिखा रहा हूं, वर्किंग्स कैसे होंगी देखिए, जैसे अभी हमने वर्किंग कैसे करी थी, ये वाली वर्किंग, ये भी ठीक है लेकिन बड़ी मेहनत क्यों कर रहे हो, कंसेप्ट थोड़ी ना सिखाना हमने, टीचर को पढ़ाना थोड़ा, टीचर ये तो मुझे ही पढ़ा रहे हैं बच्चे आजकल, ठीक है। वर्किंग
आप कैसे वर्किंग करेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे सैक्रिफाइजिंग और गेनिंग कौन है, हु इज सैक्रिफाइजिंग एंड हु इज गेनिंग। आपको पता है ना, लास्ट क्लास में समझाया था, नेगेटिव फिगर आए तो गेन और पॉजिटिव आए तो सैक्रिफाइस। तो आप क्या करेंगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करेंगे, इससे आपको पता चल जाएगा कौन गेनिंग है और कौन सैक्रिफाइजिंग। ठीक है, देखिए अब इस केस में अगर मैं बात करूं तो एक्स की बात करते हैं, ओल्ड शेयर था 1/3, वाई की बात करते हैं, ओल्ड शेयर था 1/3, जेड की बात करते हैं, इसका भी ओल्ड शेयर था 1/3, न्यू शेयर कितना है 5/10, 3/10, 2/10, जरा निकालना कितना आ जाएगा, 30, 10, 15 माइनस 5/30। अरे मुझे ये बताओ, माइनस 5/30 को मैं सैक्रिफाइस बोलूं गेन बोलूं? जल्दी बता दो, मैं भूल गया हूं। गेन गेन, एग्जैक्टली, क्योंकि न्यू शेयर ज्यादा है तभी ये नेगेटिव आई फिगर। 10 माइनस 9/30, 1/30 इसको मैं क्या बोलूं, इसको मैं क्या बोलूं, फटाफट बताओ, सैक्रिफाइस है ना, सैक्रिफाइस। देखो जादू जादू, पांच में से एक गया, कितना बचता है 4, तो ये भी आएगा 4/30 सैक्रिफाइस। जादू कैसे, ऑब्वियसली एक को गेन हो रहा है तो बाकी दोनों को, इसको थोड़ा कम सैक्रिफाइस, तो बचा हुआ सैक्रिफाइस जेड को हो रहा होगा। ठीक है, आप करेंगे कैलकुलेट तो यही आ जाएगा। ठीक है, 10 माइनस 6/30 आएगा। ओके, तो अब यहाँ गेनिंग कौन निकला, एक्स निकला, वहां भी कौन था, एक्स ही था, बस ये शॉर्टकट है। यहाँ सैक्रिफाइसिंग कौन है, वाई और जेड, वहां कौन थे, वाई और जेड। सर अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे करोगे, देखो जादू, जरा जरा 3,90,000 के प्रॉफिट का गेनिंग रेशो निकालना। गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो कितना था, 5/30, यही था ना, यही था ना। हमारे रिजर्व्स कितने हैं, हमारे रिजर्व्स हैं 3,90,000 के, इसमें गेन कितना हो रहा है इसको, 5/30, देखना कितनी फिगर आ रही है, कितना अमाउंट आ रहा है, 65,000 आ जाएगा। ओके सर, इसका मतलब 3,90,000 का 1/30 कितना आएगा, ये 13,000 आ जाएगा। 3,90,000 का नेट रिजर्व्स को आप गेनिंग रेशो या सैक्रिफाइसिंग रेशो से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 4/30, ये आ जाएगा 52,000। इज दैट क्लियर? जर्नल एंट्री वही बनेगी, सिर्फ वर्किंग करने का तरीका चेंज है। ओके, तो आप इस तरीके से करेंगे, आप ऊपर वाला लॉजिक नहीं समझाएंगे टीचर्स को, आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एक और तरीका बता दूं, ये 65,000 को आप 1:4 में भी बांट सकते हैं, क्योंकि इससे हमने 65,000 लिए जो हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटने हैं। एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है इस केस में, सैक्रिफाइसिंग रेशो है 1/30 और 4/30, तो रेशो क्या बन गया, 1:4। तो आप 65,000 को 1:4 में बांटेंगे तो भी ये फिगर आ जाएगी, बांट के देख लेना, मैं आगे जब क्वेश्चन कराऊंगा आपको और समझ आ जाएगा, कोई डाउट है तो पूछ लो। अब हम एक और नया एग्जाम्पल करते हैं, फटाफट लिखना शुरू कर दो, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, ईना, मीना और टीना आर पार्टनर्स इन 3-1, दे चेंज देयर PSR to 2-1 on this date, is then profit and loss account ka credit balance tha 1,80,000, जनरल रिजर्व थे 60,000, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट था 30,000, पास जर्नल एंट्री, केस 1, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन कुछ नहीं कहता। केस 2, व्हेन प्रॉफिट्स
और लॉसेस रिमेन अनचेंज्ड इन बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में अनचेंज रखना है. आराम से क्वेश्चन पढ़ लो, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं. अभी तो मैं ही कराऊंगा, आपने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है, उसके बाद सारा काम आपने करना है. मैं आराम से बैठूंगा. तो मैं आपको केस वन और केस टू दोनों यहां करके दिखाऊंगा. केस वन, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो बस मार दो सारे प्रॉफिट. अच्छा, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है बेटा? इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, तो ये प्रॉफिट इंडिकेट कर रहा है. अगर यहाँ डेबिट बैलेंस होता तो ये लॉस इंडिकेट कर रहा होता, ठीक है? जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, ये डेबिट होता है, ये लॉस है. जनरल रिजर्व क्रेडिट ही होता है, ये रिजर्व है. जनरल रिजर्व कभी डेबिट हो भी नहीं सकता क्योंकि रिजर्व है, ठीक है? रिजर्व जो है वो हमेशा प्रॉफिट को इंडिकेट करते हैं. लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट और डेबिट दोनों हो सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी. तो क्रेडिट मतलब प्रॉफिट, डेबिट मतलब लॉस. तो अब सबसे पहले ऐसा करो, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो. हमारे पास 180 और 60,000 दो अलग अलग प्रॉफिट्स हैं. ये देखो एंट्री आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. एक लाख 80,000, फिर हमने जनरल रिजर्व उठाया. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, 3:1. इस किस रेशो में बांटेंगे? 3:1. ओल्ड रेशो, ओल्ड प्रॉफिट, ओल्ड रेशो. याद रखना, ओल्ड प्रॉफिट, ओल्ड रेशो. 10 बार रिपीट करना. ओल्ड चीजें ओल्ड रेशो में ही बांटी जाती है, ठीक है? तो ये हो गए 2,40,000 हो गए टोटल. जरा 2,40,000 को 3:1 में बांटना. 3/6, 2/6 और 1/6. जो पहले बांटेगा वो जीता. मैं जीत गया लगता है. 40,000, 80,000 और 1,20,000. मैं जीता, कोई नहीं जीता, ठीक है? ये आ जाएगा बीइंग ओल्ड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, नेक्स्ट एंट्री लॉसेस की. लॉस कैसे बैठेगा? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट. कुछ बच्चे तो भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे. अच्छा, डेबिट नहीं होगा, डेबिट तो वो पहले ही है, क्रेडिट होगा, लॉस है ना. कुछ बच्चे भगवान से प्रार्थना करेंगे, यही वाला केस है. इनास कैपिटल अकाउंट, मीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, टीनास कैपिटल अकाउंट. तो ये कितना आ जाएगा? 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितने का था? आई थिंक 30,000 था. 30 था ना? हाँ 30 था. 30,000 को भी 3:1 में राइट ऑफ कर दो, ठीक है? वर्ड राइट ऑफ लिखोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है? बीइंग लॉसेस रिटर्न ऑफ, बीइंग लॉसेस रिटर्न ऑफ. ये प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है राइट ऑफ वर्ड बोलना. डिस्ट्रीब्यूटेड ना लॉसेस के लिए अजीब लगता है थोड़ा, ठीक है? ये आ जाएगा 15,000, ये आ जाएगा 10,000 और 5,000. शाबाश, ठीक है? कोई डाउट है तो पूछ लो. केस वन हो गया. इन लोगों को लगता है केस टू डिफिकल्ट है. जरा देखे क्या डिफिकल्ट है इसमें. मुझे आप प्रूफ कर दो ये डिफिकल्ट है तो मैं मान जाऊंगा. बहुत आसान है ये. एक ही जर्नल एंट्री होनी है यहाँ पे. तो कैसे? सिर्फ वर्किंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए. वर्किंग कैसे होगी? सबसे पहले आप नेट रिजर्व ढूंढ लो. नेट रिजर्व्स में जितने भी प्रॉफिट्स हैं, जितने भी रिजर्व्स हैं, उसमें से लॉसेस और फिक्टिशियस एसेट्स माइनस कर दो. तो प्रॉफिट्स हमारे पास थे कितने के थे? 3 लाख रुपए के, है ना? नहीं, कितने के थे जरा देख लें. 180, 1,80,000, 1,80 और 60. प्रॉफिट्स हमारे पास है 1,80,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और 60,000 जनरल रिजर्व में. और लॉस हमारे पास है केवल 30,000 का. तो यहाँ पे नेट रिजर्व्स ये 2,10,000 है.
है ना, मतलब ये खुशियां हैं। खुशियों के केस में एंट्री कौन सी होती है? एडजस्टमेंट एंट्री कौन सी होगी? एडजस्टमेंट एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइजिंग, राइट? गेनिंग टू सैक्रिफाइजिंग। सर ये कैसे पता चलेगा? ये देखो मैंने लिखवाया था ऊपर, ये लिखवाया हुआ है कि अगर प्रॉफिट है तो एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइजिंग, लॉस है तो सैक्रिफाइजिंग टू गेनिंग। ठीक है, इसी को हम फॉलो करते हैं। अब देखिए यहां पे आपको निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइजिंग कौन है और गेनिंग कौन है, बस ये निकालते ही कहानी खत्म। ईना, मीना और टीना कैसे निकालते हैं पता है ना? ओल्ड माइनस न्यू कर लेते हैं, न्यू माइनस ओल्ड भी कर सकते हो, लेकिन ठीक है मेरा फ्लो बना हुआ है ओल्ड माइनस न्यू का, तो इसलिए हम ये कर रहे हैं। ओल्ड शेयर था 3/6, 2/6 और 1/6, न्यू शेयर है 2/5, 2/5 और 1/5। जरा देखें ये आ जाएगा 35, 3 15, ये आ जाएगा 3/30, 3/30। सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस, गेन कहाँ से? 5 2 10, 6 2 12, 30 माइनस 2/30 गेन, तो ये -1/30 का गेन होगा। ठीक है, मीना और टीना का गेन है 2:1 रेशो का, और ईना का क्या है? सैक्रिफाइस है। ठीक है, अब देखो ये कैसे होगा, बड़ा इजी हो गया। तो ईना, सॉरी, मीना और टीना ये गेनिंग पार्टनर्स हैं, तो इनको डेबिट करो, इनसे लो पैसा, तुम्हें गेन हुआ भाई, तुम्हें ज्यादा मिल रहा है, वापस करो। टीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, और एंट्री तो हो गई टू ईनास कैपिटल अकाउंट, एंट्री तो हो गई, जरा लो इनसे पैसे। ठीक है, कितने रिजर्व्स है? 2,10,000 के। इना ने कहा टोटल हमारे पास पैसा है 2,10,000, इसमें मुझे 3/30 का नुकसान हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/7, 3/20, 21,000 का नुकसान हो गया, ये मुझे कौन देगा? तो मीना और टीना क्या कहते, हम देंगे। किस रेशो में? 1:2 के रेशो में, नहीं 1:2 है, 2:1 है, 2:1 के रेशो में, 2:1 के रेशो में है ना भाई। गेनिंग रेशियो क्या है? 2:1। आप 1/30 और 2/30 निकालोगे इसका, या फिर 21,000 को इनसे ले लो 2:1 के रेशो में, बात एक ही है, 14,000 और 7,000। ठीक है, 21,000 का 2:1 करो आप, 2/3 और 1/3 करोगे तो यही आएगा, 14,000 मीना देगी और टीना 7,000। अगर आप ओवरऑल प्रॉफिट ले रहे हो 2,10,000, तो इसका आप 2/30 कर लो तो भी यही आएगा 14,000, और 1/30 करोगे तो 7,000। ठीक है, डिपेंड करता है आप इसको 2:1 में ले लो इनसे गेनिंग रेशो में, या फिर आप ओवरऑल का जो गेनिंग शेयर है और सैक्रिफाइसिंग शेयर है वो निकाल के सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर। इस पे कोई डाउट है यू मे आस्क। इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर रिजर्व्स एंड लॉसेस। कोई डाउट है तो यू में आस्क। ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है। एक है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व ये होता है वर्कमैन को कोई चोट वोट लग जाए उसके लिए हम रिजर्व बनाते हैं। नो लाइबिलिटी, नो क्लेम, कोई क्लेम नहीं है इसके अगेंस्ट। ठीक है, पास जर्नल एंट्री केस वन इफ क्वेश्चन इफ इज साइलेंट, केस टू डू नॉट चेंज अबव फिगर्स इन बैलेंस शीट। इनको चेंज नहीं करना, मतलब इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। फटाफट मैं आपको 3 to 4 मिनट दे रहा हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, वैसे तो ज्यादा है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। जरा देखिए कितनी देर में आप कर पाते हैं। 4 मिनट्स का मैक्सिमम मैं आपको दे सकता हूँ, जल्दी करिए।